और हमारा मिसेस आगे थे बोल के उनको डकल डकली में आगे चले गई। अनकॉन्शियस से गिर के ये था 72 आवर्स के बाद बोलते बोल रहे वेंटिलेशन पे है। अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा 2 दुनिया भर में छा गई है, लेकिन दूसरी तरफ हैदराबाद में फिल्म के एक्टर अल्लू अर्जुन के खिलाफ केस दर्ज हो गया है। 4 दिसंबर को फिल्म के प्रीमियर के दौरान थिएटर में एक महिला की मौत हो गई थी, अब एक्टर के खिलाफ केस दर्ज हो गया है। अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा 2 सिनेमाघरों में रिलीज होते ही तहलका मचा रही है। बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड बना रही फिल्म को मिल रहे प्यार के बीच अल्लू अर्जुन एक मुसीबत में फंस गए हैं। अल्लू अर्जुन पर केस दर्ज हुआ है। 4 दिसंबर की रात पुष्पा 2 द रूल के प्रीमियर शो के दौरान भगदड़ मची। हैदराबाद के थिएटर में जब प्रीमियर हुआ तो इस दौरान दिलसुख नगर की रेवती अपने पति भास्कर और 2 बच्चों श्रीतेज और संविका के साथ पुष्पा का प्रीमियर शो देखने के लिए पहुंची थी, लेकिन थिएटर में भगदड़ हो गई। थिएटर में दम घुटने से महिला की मौत हो गई। फिल्म की स्क्रीनिंग और अल्लू अर्जुन रश्मिका मंदाना की एक झलक पाने के लिए भीड़ बेताब हो गई थी कि अचानक ही भगदड़ मच गई और महिला रेती की मौत हो गई। उसी महिला की मौत के मामले में पुष्पा 2 के हीरो अल्लू अर्जुन पर केस दर्ज किया गया है। उस भगदड़ में 35 साल की रेवती की मौत हो गई है, उसका 13 साल का बेटा श्रीतेज भी घायल हुआ है। घटना की बात करें तो थिएटर में फिल्म को लेकर वहां पहले से ही भारी भीड़ थी। इस दौरान अचानक ही अल्लू अर्जुन प्रीमियर में पहुंच गए। अल्लू अर्जुन की एक झलक पाने के लिए भीड़ बेताब हो गई और अचानक ही भगदड़ मच गई। इस दौरान सिनेमाघर के अंदर जाते समय काफी मारामारी हो रही थी। इसी दौरान रेवती और उसका बेटा श्रीतेज वहां गिर गए और बेहोश हो गए। दूसरी ओर जब पुलिस ने श्रीतेज को देखा तो श्रीतेज को उठाया और उसे CPR दिया तो पता चला कि लड़का तो कुछ हरकत कर रहा है। हालांकि इस वक्त तक रेवती की जान जा चुकी थी। डॉक्टरों की माने तो श्रीतेज की हालत भी अभी गंभीर है। पुलिस पहले ही थिएटर के मालिक के खिलाफ मामला दर्ज कर चुकी है। अब खबरों की माने तो विभिन्न संगठनों के नेताओं, मृत महिला के परिवार और वकीलों ने अल्लू अर्जुन और उनकी टीम के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की मांग की है। ऐसे में पुलिस ने अब अल्लू अर्जुन, सुकुमार और उनकी टीम के खिलाफ DNS एक्ट की धारा 105, 108 के तहत केस दर्ज किया है। तकरीबन 9:30 बजे अल्लू अर्जुन अपनी निजी सुरक्षा के साथ थिएटर पहुंचे थे। इसी दौरान लोगों ने अंदर आने की कोशिश की और भगदड़ मच गई। अफरा तफरी हुई। हाथापाई के दौरान रेवती और उसके बेटे के साथ ये हादसा हुआ। थोड़ा अंदर जाते हुए अल्लू अर्जुन आ रहा, बोलते कि हेवी फोर्स से पब्लिक आ गया अंदर। मैं मेरा बच्ची को लेके साइड हो गया था तो हमारा मिसेस आगे थे बोल के उनको डकल डकली में आगे चले गई। अनकॉन्शियस से गिर के ये था। सर हमारा बच्चा है वो ये बोलते कि हॉस्पिटल में है, उन्होंने 72 आवर्स के बाद बोलते बोल रहे वेंटिलेशन पे है। अब सवाल ये आता है कि थिएटर में स्क्रीनिंग के दौरान भगदड़ मचने से महिला की मौत हुई है तो फिर अल्लू अर्जुन पर केस दर्ज क्यों हुआ है? पुलिस की माने तो अल्लू अर्जुन बिना बताए ही थिएटर पहुंचे थे, इसकी वजह से ही भगदड़ मची। अल्लू अर्जुन की टीम की तरफ से पहले कोई भी सूचना नहीं थी कि वो आ रहे हैं। इसके बावजूद उनके आने की उम्मीद में इतनी भीड़ जमा हो गई कि उसे काबू कर पाना मुश्किल हो गया। बताया जा रहा है कि केवल थिएटर प्रबंधन को अल्लू अर्जुन के आने की बात पता थी, लेकिन फिर भी उन्होंने सेफ्टी के पुख्ता इंतजाम नहीं किए और न ही एक्टर की टीम के लिए अलग से एंट्री और एग्जिट बनाए। इस हादसे के बाद मृतक के परिवार ने चिकटपल्ली पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई है। शिकायत के मुताबिक इस केस में एक्टर अल्लू अर्जुन, थिएटर मैनेजमेंट और उनकी सुरक्षा टीम को आरोपी बनाया गया है। पुलिस अधिकारियों ने सभी दोषी पक्षों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का आश्वासन दिया है। थिएटर प्रबंधन और अल्लू अर्जुन की सुरक्षा टीम से चूक हुई है या नहीं, जवाबदेही तय करने के लिए जाँच चल रही है। अगर जाँच में कोई दोषी पाया जाता है तो कानून के हिसाब से उस पर एक्शन लिया जाएगा। आपको बता दें कि अल्लू अर्जुन और रश्मिका मंदाना स्टारर फिल्म पुष्पा 2 द रूल 2021 की ब्लॉकबस्टर फिल्म पुष्पा द राइज का सीक्वल है। सुकुमार ने इस फिल्म को डायरेक्ट किया है। ये फिल्म चंदन तस्कर पुष्पा राज की कहानी को आगे बढ़ाती है जो सैंडलवुड माफिया में पावर स्ट्रगल से जूझ रहा है।
इस फ्रेंचाइजी ने जबरदस्त पॉपुलैरिटी हासिल की है। इसका प्रीमियर साल के सबसे मोस्ट अवेटेड आयोजनों में से एक रहा।